ऑरेंज। अब देखिए आप लोग बनाना खाते हो तो बनाना में क्या आपको एक भी सीड्स मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि वो पार्थिनो कार्पिक बनाना है। लेकिन अब हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑलरेडी पढ़ लिया था। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। सो वॉच वीडियो टिल एंड। देखिए दो चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना है। पहला ये कि ओव्यूल का कन्वर्जन हमेशा सीड में होता है एंड ओवरी का कन्वर्जन हमेशा फ्रूट में होना है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमको कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल का डेवलपमेंट किस में होगा, सीड में, एंड ओवरी का डेवलपमेंट किस में होगा, फ्रूट। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में कैसे हुआ या किस लेयर में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ओवरी की जो वॉल होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों पेरिकार्प में। ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेरिकार्प में। ये पेरिकार्प क्या है? फ्रूट का फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी एरिया। एंड ये पेरिकार्प तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा तीन पार्ट्स? एपी, मीजो, एंडो। बाहर वाला जो पार्ट है वो एपी कार्प, मिडिल वाला जो पार्ट है वो मीजो कार्प, एंड जो लास्ट अंदर वाला पार्ट है वो है एंडो कार्प। इनमें से अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेती हैं ये वाली लेयर्स, बट जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? पेरिकार्प। एंड पेरिकार्प भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एपी, मीजो एंड एंडो। आई होप ये आपको समझ में। फ्रूट्स तीन टाइप के होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो एक एक करके देखते हैं कि फॉल्स फ्रूट किन्हें कहते हैं, ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किन्हें कहते हैं। सो फॉल्स फ्रूट, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, हमने क्या देखा कि ओवरी का कन्वर्जन होता है फ्रूट में, या ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें ओवरी फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि फ्लावर का जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि थैलेमस या पीटर्स या फिर फ्लावर का कोई और पार्ट जो फ्रूट में पार्टिसिपेट करता है एक्सेप्ट ओवरी। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या होते हैं बच्चों फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स हैं जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी की जगह फ्लावर का कोई और पार्ट पार्टिसिपेट करे, जैसे कि थैलेमस या फिर कोई और पार्ट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एप्पल, कैशनट एट्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब बारी आती है ट्रू फ्रूट्स की। तो बच्चों ट्रू फ्रूट्स मतलब सच्चा, मतलब सच्चा फल, यानी कि जो प्रॉपर ओवरी से जिनका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट्स में हुआ, जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप हुए वो होते हैं हमारे ट्रू फ्रूट्स, जैसे कि हमारे टमाटो, मैंगो एंड पी एंड ब्रिंजल। ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं, जस्ट सिंपल थिंग। अब बारी आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थिनो, देखिए हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स का फॉर्मेशन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, जिन फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि जिन फ्रूट का फॉर्मेशन पार्थिनोकार्पी से हुआ है, उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इन फ्रूट्स में एक स्पेशलिटी होती है, वो ये होती है कि इन फ्रूट्स में अंदर एक भी सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज। अब देखिए आप लोग बनाना खाते हो तो बनाना में क्या आपको एक भी सीड्स मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक बनाना है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से जो बनाना ग्रो होता है, जो बनाना होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, इवन इतने सारे कि आप उन्हें खा भी नहीं सकते। एंड एक और एग्जाम्पल है ऑरेंज। आजकल ऑरेंज जो होते हैं मॉडर्न टाइम, मतलब जो आजकल जो ऑरेंज आते हैं वो क्या होते हैं? उनमें एक भी सीड्स नहीं मिलते। कुछ ऑरेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें एक भी सीड्स नहीं होते, बट नेचुरली जो ऑरेंजेस होते हैं उनमें सीड्स होना तो लाजमी सी बात है, उसमें तो सीड्स होंगे ही। बट अभी कुछ पार्थिनोकार्पिक ऑरेंजेस बनाए जाने लगे हैं, बनने लगे हैं, जिनमें एक भी सीड्स प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो पार्थिनोकार्पी से डेवलप हुए हैं। एंड पार्थिनोकार्पी क्या है? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट्स में सीड्स टोटली एब्सेंट होते हैं। सो बच्चों हम लोगों ने फ्रूट्स पढ़ लिए, ये देख लिया कि फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंड ये भी देख लिया कि फ्रूट्स डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अब बारी आती है सीड्स की। अब देखते हैं कि सीड्स का डेवलपमेंट ओव्यूल से कैसे हुआ या किस किस फॉर्म में हुआ या उसके कितने टाइप।
कन्वर्ट होता है सीड में, एंड उस सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं, एंड होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हम लोगों ने एम्ब्रियो वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो ज़रूर देखिएगा, तो ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एंड कॉटिलेडन्स होते हैं। सीड कोट दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर हार्ड होती है जिसे हम बोलते हैं टेस्टा, एंड इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं टैगमेंट। तो सीड कोट में सीड कोट कितनी लेयर से मिलकर के बना हुआ है, दो लेयर से मिलकर के बना हुआ है, टेस्टा एंड टैगमेंट, दो लेयर्स, टेस्टा एंड टैगमेंट, ये हमको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि मैच्योर सीड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैच्योर सीड्स मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला नॉन एल्ब्यूमिनस एंड दूसरा एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस वो सीड्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एंड एल्ब्यूमिनस वो सीड्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स क्या हैं, पी, ग्राम, यहाँ पर इन सीड्स पे एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड वहीं वीट, बार्ले, ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तो बच्चों अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय। You just always been the type to rush it. I've been laid back.